हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत। टेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरटेल वर्सेस जियो के प्लान्स के बारे में। एयरटेल के प्लान्स क्या हैं, जियो के प्लान्स क्या हैं और कैसे स्पीड है एयरटेल और जियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरटेल की स्पीड यहां पर मच बेटर है देन जियो, और कुछ जगह पर जियो की भी स्पीड बेटर है एयरटेल से। तो आप अपनी जगह के हिसाब से खुद ही कंपेयर कर लीजिएगा। फिलहाल में अभी अगर प्लान्स की बात करें तो कुछ जो जियो के प्लान्स और एयरटेल के प्लान्स हैं उनका कंपेयर रहा आपके सामने। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएंगे वोडाफोन, एयरटेल और वोडा आइडिया के भी प्लान्स। सारे मतलब जो प्लान्स हैं वो आपके सामने हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं उन्हें मैं अगर कहूँ तो वो नॉर्मली हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसे प्लान्स जो थे वो आते ही थे, लेकिन अब प्लान्स में एक दो रुपये कम हो गए हैं। तो अब बात करें रियल में एयरटेल के प्लान क्या है और जियो के प्लान क्या है। तो यहाँ पर जियो के प्लान्स दोस्तों शुरू हो जाते हैं 149 रुपीज़ से। जियो का 1 GB पर डे का प्लान है जो 28 दिन के लिए, वो है 149 रुपीज़ का। जबकि एयरटेल का यहाँ पर जो प्लान है वो 179 का और 198 का है। अलग अलग कस्टमर से के लिए अलग अलग तरीके से है। यहाँ पर होम और रोमिंग फ्री है, सब कुछ है, लेकिन सेम चीज़ें मिलती हैं एयरटेल में, सेम चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर जियो में, मगर जो आपको प्लान मिलते हैं उनमें तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। पैसे लगभग 30 रुपये का अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे ये तो आप ही जानते हैं, एयरटेल या फिर जियो। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो 28 दिन का प्लान के बाद में अगर हम बात करें तो सीधे सीधे आता है 70 डेज या फिर 84 डेज का प्लान। 70 डेज का यहाँ पर अगर बात करें तो एयरटेल में अभी तक आता था 399 का प्लान, तो वो एयरटेल ने बंद कर दिया। उसके बाद में 448 का प्लान चालू कर दिया था। 448 का प्लान दोस्तों 84 डेज के लिए है, 84 डेज तक आप यूज कर सकते हैं 448 में। और अगर हम बात करें जियो की तो 449 में आप 84 डेज तक यूज कर सकते हैं 1 GB डेटा पर डे। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 91 डेज की, सॉरी यहाँ पर जियो में आप यूज कर सकते हैं 399 में अब 84 डेज और 449 में आप 91 डेज। अगर हम बात करें यहाँ पर 91 डेज की, तो यहाँ पर जियो में तो आपको मिलता है 449 में 91 डेज और यहाँ पर एयरटेल में आपको मिलता है 498 रुपीज़ में 1 डेज, मतलब 498 रुपये में एक दिन, वो 91 दिन। और यहाँ पर एयरटेल में आपको मिलेगा 498 रुपये में 91 दिन और जियो में आपको मिलेगा 449 रुपये में 91 दिन, 449 रुपीज़ में 91 डेज। तो यहाँ पर प्लान्स में लगभग 50 रुपये का अंतर आ चुका है। इसके बाद आप स्पीड में भी अगर बात करें तो स्पीड में भी फर्क है, जगह जगह पर फर्क नजर आता है स्पीड में। दरअसल कॉलिंग की अगर बात करें तो एयरटेल में भी कॉलिंग फ्री है, कॉलिंग अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर जियो में भी कॉलिंग अभी फ्री है और कॉलिंग अच्छी ही रहती है। दोनों में कॉलिंग अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो खुद ही आप डिसाइड कर सकते हैं और आप भी बताइए मुझे कमेंट में कमेंट करके कि आप कौन सा चलाना प्रेफर करेंगे, एयरटेल या फिर जियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।